हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ द लास्ट विच हंटर मूवी के बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 23 अक्टूबर 2015 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था बेरिक आइजनर ने, जिसकी आईएमडीबी पर रेटिंग है 5.9। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में 800 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पूरी पृथ्वी पर ब्लैक प्लेग नाम की बीमारी फैल रही होती है, जिसकी वजह से इंसान मर रहे होते हैं। और ये बीमारी एक विच क्वीन फैला रही होती है, क्योंकि वो इंसानों को ख़त्म करके विचेस की दुनिया बनाना चाहती थी। लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ लोग आते हैं जिन्हें नाइट्स कहा जाता है। वो विच क्वीन की केव में पहुंचते हैं, लेकिन विच क्वीन बहुत ही खतरनाक थी। वो सारे नाइट सोल्जर्स को मार देती है, लेकिन उन नाइट्स में से सबसे बहादुर नाइट था कोल्टर। वो क्वीन के सारे गार्ड्स को मारने के बाद क्वीन के सीने में तलवार घुसा देता है, जिससे विच क्वीन कमज़ोर पड़ जाती है और मरने वाली होती है। लेकिन तभी विच क्वीन कोल्डर के दिल को पकड़कर उसे श्राप देती है कि वो अनंत काल तक के लिए इमॉर्टल हो जाएगा, क्योंकि विच क्वीन को पता था कि उसने जो बीमारी फैलाई थी उसकी वजह से उसका पूरा परिवार मर चुका था, जिसकी वजह से ये कोल्डर के लिए एक श्राप था, क्योंकि कोल्डर के जीने का कोई मकसद नहीं बचा था और अपने परिवार के साथ वो भी मरना चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब 800 साल बीत चुके होते हैं और वो एक एयरप्लेन में होता है और वो कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ का मौसम ख़राब होने लग जाता है। तब उसे शक होता है किसी ने ब्लैक मैजिक से मौसम ख़राब किया है। फिर कोल्डर पता लगाता है कि वो कौन है जो प्लेन में बैठकर ब्लैक मैजिक कर रहा है। जहाँ उसे एक यंग विच मिलती है, यहाँ उसे पता चलता है कि बहुत समय पहले इंसानों और विचेस के बीच में एक समझौता हुआ था कि वो अपना असली चेहरा छुपाकर इंसानों के बीच में रह सकती है, पर इस शर्त पर कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और उसमें से कुछ विचेस ऐसी होती हैं जो कि रूल्स फॉलो नहीं करती थी, तो उनको पकड़ना और कैद करना कोल्डर का काम होता है। और कोल्डर एक ग्रुप के लिए काम करता है जिसका नाम होता है एक्स एंड क्रॉस, जिनका काम था बुरी विचेस को पकड़ना। कोल्डर यंग विच के पास में आकर बैठ जाता है, जहाँ उस यंग विच के पास में वेदर चेंजिंग स्टोन होते हैं, जो इतने पावरफुल होते हैं जिसका अंदाज़ा उस विच को भी नहीं था। और अब कोल्डर उस स्टोन की पावर को कंट्रोल करता है, जिसके बाद वो यंग विच पूछती है क्या तुम मुझे कैद करोगे, तो कोल्डर कहता है कि नहीं, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। फिर कोल्डर उस स्टोन को अपने पास में रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी कोल्डर से मिलने आता है। इस आदमी का नाम डोलन 36 है। ये एक प्रीस्ट होते हैं, इसका मतलब कोल्डर 36 प्रीस्ट के साथ में काम कर चुका था। यहाँ पे प्रीस्ट कोल्डर को बताते हैं कि मैं कल रिटायर हो जाऊँगा। फिर कोल्डर प्रीस्ट को एक कीमती पेन गिफ्ट करते हैं। अभी तक जितने भी प्रीस्ट कोल्डर के साथ में काम करते थे, वो सभी कोल्डर के साथ में विचेस को पकड़ने का काम किया करते थे। अगले दिन कोल्डर के पास में कॉल आता है और उसे पता चलता है कि प्रीस्ट की मौत हो गई है। ये सुनकर कोल्डर को शॉक लगता है। यहाँ पे कोल्डर की मुलाकात न्यू प्रीस्ट से होती है, क्योंकि ओल्ड प्रीस्ट की मौत हो गई थी, इसीलिए न्यू प्रीस्ट आए थे और उन्हें ओल्ड प्रीस्ट ने ही चूज किया होता है। इसके बाद में ये दोनों ओल्ड प्रीस्ट के घर जाते हैं। वो पूरे घर को चेक करते हैं ये देखने के लिए यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ। वहाँ जाके उन्हें कोई सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन न्यू प्रीस्ट को घर में मरी हुई मक्खियाँ दिखाई देती हैं, जो कि ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा कर रही थी। फिर उन मक्खियों को देख कर कोल्डर उन पर मैजिकल पाउडर छिड़कता है, जिस वजह से उस घर पर किया हुआ ब्लैक मैजिक टूट जाता है, जिससे वो पूरा घर अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब टूटी हुई होती हैं। उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए ही किसी ने वहाँ पर ब्लैक मैजिक किया था और उनका पेन भी वहाँ से गायब था, और इसके साथ में एक डार्क मैजिक किया गया था जो 800 साल पहले विच क्वीन किया करती थी। ये मैजिक इतना पावरफुल था कि आज के टाइम में ये करना मना था, जिसे साधारण विचेस यूज नहीं कर सकती थी। इसके बाद में कोल्डर एक विच के पास में जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। उसकी ये बेकरी होती है और वो इंसेक्ट यूज करके केक में फ्लेवर डालता था। मैक्स ब्लाइंड था। कोल्डर उससे एलिमेंट्री मैजिक के बारे में पूछता है, मैक्स मना कर देता है। जब कोल्डर उसे कैद करने की धमकी देता है, तो वो बताता है एलिक नाम के एक विच के बारे में। अब आगे के सफ़र में खतरा होता है, इसीलिए वो अकेले ही एलिक को पकड़ने के लिए जाता है।
वो बताए गए एड्रेस पर जाता है जहाँ पर उसे एक बच्चा मिलता है जो कैंडी का पीछा करते हुए वहाँ पर आ गया था। जहाँ उस बच्चे को कैंडीज का पेड़ दिखाई देता है तभी वहाँ पर कोल्डर आ जाता है और उस बच्चे से कहता है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं बताया कि पेड़ पर कैंडीज नहीं उगती, और उस बच्चे से वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उस जगह को ब्लैक मैजिक से ऐसा बनाया गया था जहाँ एलिक छुपकर बैठा हुआ था। जब कोल्डर घर के अंदर जाता है तो उसे वो एक बच्ची दिखाई देती है जो एलिक ही होता है जिसने बच्ची का रूप लिया होता है। फिर वो कोल्डर पर हमला कर देता है लेकिन कोल्डर काफ़ी चालाक होता है, वो उसे मार के बेहोश कर देता है जहाँ उसे प्रीस्ट का पेन भी मिलता है। उसके बाद में कोल्डर उसे विच काउंसिल में दे देता है। अब यहाँ पर कोल्डर को लग रहा होता है कि इसके और भी साथी होंगे जो 800 साल पहले के डार्क मैजिक यूज़ किया करते हैं, इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। विच काउंसिल नहीं मानती और एलिक को कैद करने की सज़ा देती है। तभी उसे वहाँ से पेन से मक्खी बाहर आती है और अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो सीधा जाता है प्रीस्ट के पास में, जहां उसे पता चलता है कि प्रीस्ट मरे नहीं हैं बल्कि उन्हें कर्ज दिया गया है सेम ब्लैक प्लेग से जो विच क्वीन ने 800 साल पहले लोगों पर डाला था। कोल्डर ये समझ जाता है कि जिस विच ने प्रीस्ट को कर्ज दिया है वो उससे कुछ जानना चाहता था जो इन्होंने बता दिया होगा। प्रीस्ट के पास में सिर्फ 2 दिन होते हैं जिसके बाद में वो मर जाएंगे। उन्हें बचाने के लिए उसे मारना होगा जिस विच ने उन्हें कर्ज दिया है। फिर कोल्डर की नज़र उनकी जख्मी उंगली पर जाती है। कोल्डर समझ जाता है कि प्रीस्ट ने कुछ क्लूज छोड़े होंगे। फिर कोल्डर उनकी फेवरेट बुक जिसमें उन्होंने 3 शब्दों पर निशान लगाए हुए थे अपने खून से, वो वर्ड थे रिमेंबर योर डेथ, यानी जिस रात विच क्वीन मर गई थी उसी रात कोल्डर भी जख्मी था। वो जिंदा कैसे हुआ ये बात वो भूल चुका था, वो बात उसे याद करनी थी इसीलिए उसे मेमोरी पोशन की ज़रूरत थी। जिसके बाद में वो विच बार जाता है जो बार होता है क्लोई नाम की विच का। कोल्डर के आते ही वहाँ से सब लोग चले जाते हैं, इस वजह से क्लोई उसे मेमोरी पोशन के लिए मना कर देती है। फिर वो हाई अमाउंट में मान जाती है और उसे मेमोरी पोशन देती है। जिसके बाद में कोल्डर 800 साल पहले अपनी यादों में जाता है जहाँ उसने विच क्वीन को मारा था। तभी वहाँ पर बेलियाल नाम के एक विच आकर उसे मारने लगता है। जैसे तैसे कोल्डर होश में आता है और बेलियाल उसे दूसरे ट्रांसपोर्ट में फंसा देता है और वो मेमोरी पोशन को यूज़ ना कर पाए, इसीलिए वो बार को आग लगा देता है। फिर क्लोई उसे मैजिकल पाउडर के ज़रिए जगाने की कोशिश करती है। कोल्डर होश में आने के बाद में बेलियाल को मारने जाता है पर बेलियाल पेड़ की जड़ के ज़रिए वहां से भाग जाता है, पर कोल्डर के हाथ में पेड़ की जड़ आ जाती है जिसमें लाल मिट्टी लगी हुई थी। अगले सीन में क्लोई अपने घर पे जाती है जहां बेलियाल उसे डार्क वर्ल्ड में फेंक देता है, लेकिन कोल्डर उसे बचाकर अपने घर पर ले आता है जहाँ पर क्लोई वहाँ से जाने लगती है। पर कोल्डर उसे बताता है कि उसे मेमोरी पोशन अपनी फ्रेंड की जान बचाने के लिए चाहिए। क्लोई हाँ कर देती है। क्लोई अपनी फ्रेंड मिरांडा के घर जाती है जहाँ बेलियाल ने मिरांडा को मार दिया होता है और उसके पौधे भी उजाड़ दिए थे ताकि ये लोग मेमोरी पोशन को ना बना सकें। अब ये लोग दैनिक के पास जाते हैं। कोल्डर ने उसकी फ्रेंड को कैद किया होता है उसी का बदला लेने के लिए। वो उसे सपनों की दुनिया में फंसाने की कोशिश करती है और वो उसे खाई में नीचे फेंकने का ऑर्डर भी देती है, मगर यहाँ पे एक बात रिवील होती है कि क्लोई एक ड्रीम वॉकर है, यानी कि वो किसी के सपनों में आसानी से जा सकती है और वो उसे सपनों से बाहर निकालती है। कोल्डर होश में आने के बाद दैनिक की सारी पावर्स को ले लेता है। उसके बाद जब कोल्डर को पता चलता है कि क्लोई बिना किसी पोशन के किसी के भी सपनों में जा सकती है तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है उसकी यादों में जाने के लिए, लेकिन क्लोई उससे बहस करती है फिर वो मान जाती है। उसके बाद क्लोई और कोल्डर उसके सपनों में जाते हैं जहां उसने विच क्वीन को मारा था। यहां पर हम देखते हैं कि क्वीन के शरीर की तरह कोल्डर का शरीर भी राख बन गया था, इसके बाद भी वो जिंदा था। इसके बाद उसके नाइट सोल्जर वहाँ पर आते हैं और कोल्डर को बचाते हैं। उन्हें वहाँ पर विच क्वीन का हार्ट भी है जो अभी भी जिंदा था। जब हार्ट को खत्म करने की कोशिश की गई तो कोल्डर दर से चीखता है, यानी वो क्वीन के श्राप से वो उसके दिल से कनेक्टेड हो गया था। अगर क्वीन के हार्ट को खत्म किया गया तो कोल्डर भी मर जाएगा, इसीलिए उन्होंने क्वीन के हार्ट को अपने पास रख लिया क्योंकि उनके लिए कोल्डर बहुत ज़रूरी था और ये बात कोल्डर से छिपाई गई थी। तब से लेकर अभी तक जितने भी प्रीस्ट थे उन सभी को ये बात पता थी और उन्होंने क्वीन के हार्ट को अपने पास छुपा कर रखा था
और यही कारण था कि प्रीस्ट को टॉर्चर करके उन्हें कर्ज दिया गया था। यानी ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को ये बात पता थी और ये बात जान के कोल्डर शॉक्ड रह जाता है कि अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। अगर पहले ही ये सच्चाई बता देते तो इतने सारे लोग नहीं मरते। और उसे एक और बात याद आती है कि बेलियाल और एलिक और मैक्स ये तीनों ही क्वीन के फॉलोअर हैं। वो क्वीन को रिबॉर्न करना चाहते हैं। न्यू प्रीस्ट बेलियाल की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। यहाँ पे बेलियाल मैक्स को पकड़ लेता है क्योंकि उसने कोल्डर को एलिक का नाम बता दिया था। यहाँ पे बेलियाल मैक्स को एक रूट से बांध देता है और उस पर क्वीन का हार्ट रखता है। और ये देखते ही देखते क्वीन रिबॉर्न हो जाती है और मैक्स की बॉडी में क्वीन आ जाती है। उसके बाद वहाँ कोल्डर पहुँच जाता है और बेलियाल को मार देता है। कोल्डर के आने में देरी हो गई थी क्योंकि क्वीन रिबॉर्न हो चुकी थी। जैसे ही कोल्डर क्वीन के पास जाता है, क्वीन उसका गला पकड़ लेती है। यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि क्वीन ने जो उसे इमॉर्टैलिटी का श्राप दिया था, वो इमॉर्टैलिटी क्वीन की खुद की थी। यानी क्वीन ने मरते वक्त अपना एक हिस्सा कोल्डर में डाल दिया था और उसी के ज़रिए क्वीन कोल्डर के साथ ज़िंदा थी। यही वो कनेक्शन था जिसके ज़रिए कोल्डर को दर्द हुआ था जब क्वीन का हार्ट पकड़ा गया था। अब देखते ही देखते क्वीन अपनी इमॉर्टैलिटी वापस ले लेती है। यानी कि अगर अब कोल्डर को चोट लगती है तो वो मर जाएगा। और क्वीन कोल्डर को मार के वहाँ से भाग जाती है। निराश कोल्डर अपने घर वापस आता है। अब जब कोल्डर ने बेलियाल को मार दिया था तो प्रीस्ट ठीक हो जाते हैं। कोल्डर प्रीस्ट को बताता है कि क्वीन वापस आ चुकी है, अब वो प्लेग का कर्ज इंसानों पर फिर से डालेगी। प्रीस्ट कहते हैं कि क्वीन अभी रिबॉर्न हुई है, उसमें इतनी ताकत नहीं होगी। तो कोल्डर कहता है कि जितनी भी अभी तक खतरनाक विचेस थीं, उन्हें हमने मारा नहीं है, सिर्फ कैद किया है। वो उनकी मदद से ताकतवर हो जाएगी, तब वो दुनिया पर प्लेग का कर्ज डालेगी। वो नाराज़ था कि सभी ने उससे सच्चाई छुपाई। तब प्रीस उससे माफ़ी मांगते हैं सच्चाई छुपाने के लिए। फिर प्रीस उसे इनकरेज करते हैं कि तुम एक बार क्वीन को हरा चुके हो तो तुम दोबारा ऐसा कर सकते हो। उसके बाद कोल्डर अपनी तलवार लेकर विच फ्रीजन जाता है, जहां पर उसे न्यू प्रीस मिलता है। ये तीनों प्लान बनाते हैं और अंदर जाते हैं और कैसे क्वीन को हराना है। यहाँ पर क्वीन ने बाकी सारे फ्रीजन विचेस को कनेक्ट किया हुआ था। वो उनकी पावर्स को यूज़ कर रही थी और धीरे धीरे पावरफुल होकर दुनिया पर कर्ज फैलाने वाली थी। प्लान के अनुसार क्लोई कमज़ोर फ्रीजन एलिक को पकड़ती है और उसकी मेमोरी में जाकर वो उसे मार देती है ताकि कमज़ोर कड़ी निकल जाए और क्वीन कमज़ोर पड़ने लगे। दूसरी तरफ कोल्डर क्वीन को ढूंढने जाता है और उसी प्रिजन में एक जगह लाइट दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है पर वो अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर क्वीन बाकी विचेस से कनेक्ट होकर प्लेग फैलाने की तैयारी कर रही थी। जहाँ पर उसका सामना क्वीन से होता है, दोनों में लड़ाई होती है। देखते ही देखते वो क्वीन को गुफा में लेकर आता है। फिर कोल्डर अपनी पावरफुल तलवार जलाता है जिससे क्वीन चीखने लगती है। वो कमज़ोर होती है पर कोल्डर क्वीन को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर न्यू प्रीस्ट आ जाता है, क्लोई के गले पर गन रखता है। और यहाँ पर रिवील होता है कि न्यू प्रीस्ट एक विच का बेटा होता है और वो बिना मैजिक के पैदा हुआ था। उसे शक्तियाँ चाहिए थी, इसीलिए वो क्वीन की साइड पर होता है। आपको इनको पता चलता है कि क्लोई एक ड्रीम वॉकर है और वो उसकी मदद से बाकी सारी विचेस को कनेक्ट करती है। उसकी पावर्स को यूज़ करके प्लेग पूरी दुनिया में फैलाने लगती है। यहाँ पर न्यू प्रीस्ट क्वीन के सामने झुकता है और उससे शक्तियाँ मांगता है। क्वीन उससे कहती है कि तुम बिना पावर्स के पैदा हुए तो इसीलिए तुम इंसान हो और मिट्टी कभी सोना नहीं बन सकती, और ये कहकर वो उसे मार देती है। यहाँ पर कोल्डर एक सपने में कैद होता है, जहाँ सपने में उसकी बेटी और उसकी पत्नी आते हैं और उसे जागने के लिए कहते हैं। उसे वो गुड बाय कहते हैं और अचानक से कोल्डर को होश आता है। कोल्डर के पास वेदर चेंजिंग स्टोन थे जो मौसम को बदल सकते थे। वो उन स्टोन की मदद से एक तूफान को तैयार करता है और लाइट की वजह से तलवार में दोबारा से आग लगती है। क्वीन उसे अभी भी मैनिपुलेट कर रही होती है और वो क्वीन को तलवार फेंक के मारता है। देखते ही देखते क्वीन राख में बदल जाती है। अब कोल्डर को पता था जब तक क्वीन का हार्ट नहीं ख़त्म होगा तब तक वो नहीं मरेगी। कोल्डर क्वीन के हार्ट को ख़त्म करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर क्लोई आकर उसे रोक देती है। वो कोल्डर से कहती है कि मैंने डार्क वर्ल्ड में क्वीन से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें देखी हैं जो बस तुम्हारे ही मरने का इंतज़ार कर रही हैं।
अगर तुम चले गए तो इससे भी खतरनाक चीज़ें इस दुनिया में आएंगी, इसीलिए खुद की जान मत लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो मान जाता है। आखिरी में हम देखते हैं कि कोल्डर वो हार्ट अपने पास में रख लेता है और वो विच काउंसिल के साथ में काम करना बंद कर देता है उस झूठ के कारण। क्लोई के साथ में वो अगले मिशन के लिए निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।